आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो समांतर श्रेणी का है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दसवीं क्लास के मैथ्स का पांचवा चैप्टर है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, आपके एपी दे रखी है 4914, 20वां पद आपको इसका ज्ञात करना है। इसमें करना क्या पड़ता है, आप देख लें, इसमें 20वां पद पूछा है और आप सामान्य पदों के बारे में जानते होंगे। ये इसके अंदर सबसे पहले आप लिख दे ए बराबर 4, ए क्या है प्रथम पद, और सर्व अंतर डी निकाल लें आप, डी कितना होगा A2 माइनस A1, यानी बाद वाले में से पहला वाला पद घटा लें तो आपके ये डी कितना आ जाएगा 9 माइनस 4, तो ये डी बराबर कितना आ गया 5। आपके पास में ए आ चुका प्रथम पद और सर्व अंतर भी आ चुका। अब इसको हल करना है, 20वां पद निकालने की बात कर रहा। मैं एक बात बता दूं कि जब कभी ये जैसे यहां इसने पूछा 20वां पद, तो आपको लिखना है A20 बराबर A+ और A कम कर देना 19D। अगर 20वां है तो A+19D, अगर 25वां है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि A4, तो ये हो जाएगा A कम A+3D। अगर आपसे पूछे कि A30, तो A कम हो जाएगा A+29D। डायरेक्टली आपको पूरा इस फॉर्मूले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूज कर लें इस फॉर्मूले को डायरेक्ट, क्योंकि 20वां पद कहा है तो आप डायरेक्ट A+19D। अब आप इसमें A का मान रख ले 4, तो ये 4 और 19 इंटू डी का मान 5 रख लें तो ये आपके 5। अब थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 19 में 4 आप पहले जोड़ दें, पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 19 95, तो ये हो जाएगा 95 और 4 99, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको किसी भी एपी का पद निकालना है, बहुत इजी काम है।